चाय तो पीजिए। लड़की कब आ रही है? अरे आएगी अभी थोड़ी देर में। कब से बैठे हैं यहाँ? घर तो देखो इनकी, इतना टूटा फूटा सा झोपड़ी है ये, घर तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। हमारे लल्ला की किस्मत तो देखो। हाँ आ गई। अरे काकी तू इधर आओ। अरे देखो जीजी, लड़की की सही उम्र है हमारे लल्ला के लिए। बात तो सही कही है तुमने। आज ही शादी पक्की कर देते ना। हाँ आज ही करते, चट मंगनी पट दिया। हाँ हो जाए। किसकी शादी माँ? तुम्हारी शादी। मेरी शादी? तो मैं तो अभी बच्ची हूँ माँ। तुम बच्ची नहीं हो, शादी की उम्र हो गई है। लड़का विदेश में काम करता है, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा तुम्हें। पर मुझे और पढ़ना है माँ, मुझे अपने सहेलियों के साथ खेलना भी है, और मैं अभी शादी नहीं कर सकती माँ। नहीं माँ नहीं। अरे जीत रहे जीत रहे, खुश रहे खुश रहे। अब जल्दी से जल्दी एक पोता दे दे हम। सोचा मेरी बेटी, सोचा मेरी बेटी। कल वो ही कहेगी, मुंह काला कर दिया तूने हमारी इस समाज में बेटी पैदा करके। लल्ला कितनी बार कहा है अपनी लुगाई को संभाल, इस बार तो गलती हो गई है, लेकिन दूसरी बार ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। हमें पोता चाहिए, मतलब पोता चाहिए। हाँ माँ जी। के फोन के लिए पैसे चाहिए थे दी। पैसा? पैसा चाहिए? हमारे कक्ष में सिर्फ हम ही बचे हैं, ज्यादातर के सहेलों ने पैसे भर दिए थे। हम कब से माँ को बोल रहे थे, माँ सुन ही नहीं रही। हाँ छुटकी में पैसों का इंतजाम करती हूँ। माँ से बोलना जल्दी भरने के लिए पैसे। हाँ हाँ मैं बोलती हूँ माँ से। क्या दिन आ गया, JNU से PhD करके अब ये चपरासी की नौकरी के लिए आना पड़ रहा है। क्या हो गया है इस देश को, इतने बेरोजगार, इतना बेरोजगारी। देखो देखो JNU से भी लोग आए हुए इस पोस्ट के लिए। क्या होगा हमारा, पता नहीं हमें सीट मिलेगा भी कि नहीं। हाँ क्या। हाँ एक तो एक ही पोस्ट थी इस बड़े बिल्डिंग में, ऊपर से इतना सारा भीड़, ऊपर से PhD वाले लोग भी है। क्या होगा हमारा और क्या होगा इस देश का। हाँ इस बार भी नहीं मिला मुझे। अरे इतना भीड़, ऊपर से लंबी लाइन। भाई साहब आगे बढ़िए। हाँ चलना बहन जी। क्या होगा, इतने लोगों का खर्चा अकेले मैं कैसे उठाऊं, मेरी बहनों की पढ़ाई, माँ का इलाज, पैसा। पैसा 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 दीदी, पैसा 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 पैसा, परीक्षा
दीदी पैसा, बारहवीं परीक्षा, दीदी पैसा, दीदी पैसा, दीदी पैसा, दीदी पैसा, दीदी पैसा, बेटी, मेरी बेटी। Stop child marriage. As per statistics, child marriages account for 27% of marriages in India. The highest numbers being reported from the states of Rajasthan and Bihar. Education brings prosperity. At least 35 million children aged 6 to 14 years do not attend school. 53% of girls in the age group of 5 to 9 years are illiterate. Gender equality. The Indian Census 2011 statewide shows that Haryana has the lowest sex ratio in India with just 877 females per 1000 males. Hum do, hamare do. India was the first country in the world to launch a national program emphasizing family planning to the extent necessary for reducing birth rates to stabilize the population at a level consistent with the requirement of national economy. Let no one die of poverty. Let each and every individual get an opportunity to learn. Let us use our resources in a sustainable manner so that our future can use it too. Let us control our population for a better future. Let us make the earth a lighter place to live in. Thank you guys for watching. This is me, Sharbangi, Anuvrinda, Glorina, Rinuchin, and Shalom. Please do like, share, comment, and keep smiling. Bye-bye. अरे धक्का लगी मत करो तुम लोग। कहाँ से आई हैं बहन जी आप? अरे देखो देखो जैन जैन यू से आए लोग। अरे काकी तू इधर आओ। अरे अरे देखो जीजी लड़की की उम्र सही है हमारे लल्ला के लिए। बात तो सही कही है। जल्दी से जल्दी अब शादी नहीं होता हमारे में ये लाइफ।